हल्द्वानी के बरेली रोड पर पिछले 17 सालों से लगने वाले शरी बाजार को ठेकेदार के हाथों सौंपने का निर्णय भले ही नगर निगम ने ले लिया हो, लेकिन शनि बाजार व्यापारी और जन उत्थान समिति से जुड़े व्यापारियों का विरोध लगातार जारी है। वहीं पिछले 13 जुलाई से धरने पर बैठे व्यापारी पहले की तरह नगर निगम से तहबाजारी वसूलने और ठेका निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर नगर निगम अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे व्यापारियों ने पूर्व विधायक नारायण पाल की अगुवाई में नगर निगम दफ्तर की सीढ़ियों में बैठ गए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तेरह तारीख से धरना हमारा चल रहा है। पहले हफ्ते बाजार में चल रहा था, वहां से हमें बल द्वारा उखाड़ के फेंक दिया गया और हम आगे बुद्ध पार्क में। बुद्ध पार्क में धरना चलने के बाद आज 14-15 दिन होने जा रहे, एक अधिकारी हमारे पास नहीं पहुंचा। तहबाजारी की पर्ची 10-20 रुपए की घटती थी, गरीब लोग हैं, अब इन्होंने 200-250 कर दी, कहाँ से लाएंगे ये? और जो वहाँ मकान वाले लोग हैं उन्हें भी पैसा देना होता, वो भी गरीब लोग हैं। जब ये उसके सामने अपना फल लगाते हैं तो वो उनके भी भाई दुकान उकान बंद हो जाती है, तो थोड़ा म्यूचुअल सब कुछ चल रहा था। पहले चोरगेले रोड पर लगाते थे, उसके बाद इन्हें वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये कोई कर्मचारी नहीं है। दूसरा, सनी बाजार की लगभग 3 एकड़ लैंड नजूल की है, नगर निगम के प्रबंधन में है। 2005 से लेकर 2022 तक जिस दिन हमने टेंडर खोला है उस समय तक पर मंथ 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी नगर पालिका, तत्कालीन नगर पालिका और वर्तमान नगर निगम को हो रही थी। हमारा अनुमान उसमें 25 लाख रुपया न्यूनतम का था 19 महीने के लिए। हमने न्यूनतम उसको करके टेंडर किया, 53 लाख रुपये टेंडर।